गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10. दिस इज चैप्टर 2 पार्ट 8 वीडियो. यू कैन ओपन पेज नंबर 95. इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड रिपन एंड द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. देन वी विल डिस्कस द इल्बर्ट बिल ऑफ 1883. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दादा भाई नौरजी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876. So all these points we will be discussing one by one in detail. So let's start with the first point, that is Lord Ripon and the Ilbert Bill controversy. This is very important. Here it says Lord Lytton was succeeded by Lord Ripon in 1880. The viceroyalty of Lord Ripon represents a change of opinion in England and a change in policy toward India. Lord Ripon tried to satisfy Indians by redressing their grievances accordingly. Lord Lytton ke baad, Lord Ripon became the Viceroy of India in 1880. So when he became the Viceroy of India, there was a shift in the policy of British towards India. Jab Lord Ripon भारत के वॉइसरॉय बने, इंडिया ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय बने, तो उन्होंने भारत की तरफ देखने का नज़रिया ब्रिटेन का एक तरह से चेंज हो गया. तो उन्होंने बहुत सारे फैसले भारत के हित में लिए. भारत के हित में कहने का मतलब इंडियन पीपल के फेवर में लिए. व्हाट ही डिड, सो लॉर्ड रिपन ट्राई टू सेटिस्फाई द इंडियंस बाई रिड्रेसिंग द ग्रीवांसेस अकॉर्डिंगली. लॉर्ड रिपन एबॉलिश द इम्पोर्ट ड्यूटीज, रिप्लेस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ब्रॉट द अफगान वॉर टू अ क्लोज एंड अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. सो वॉट ही डिड, लॉर्ड रिपन ने भारत के फेवर में फैसले लिए. वो कौन कौन से फैसले थे? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को उन्होंने वापस ले लिया, ख़त्म कर दिया. उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया, अफगान वार को भी क्लोज कर दिया, और हंटर कमीशन को अपॉइंट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. लेकिन इनका सारा प्रयास जो है वो एक तरह से उस पर पानी फिर गया. किस कारण? ड्यू टू इल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी. इल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी होने के कारण उनके सारे सकारात्मक प्रयास जो भारतीय जनता के पक्ष में किए गए थे ब्रिटिश साम्राज्य की सकारात्मक छवि बनाने के लिए, जो भारतीय जनता के पक्ष में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रयास किए गए थे, उन सभी पे पानी फिर गया. सो लेट डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इल्बर्ट बिल ऑफ 1883. सो इन दिस वेरी पॉइंट लेट्स बी वेरी क्लियर. लेट्स फर्स्ट टॉक इन हिंदी, व्हाट इज इल्बर्ट बिल. इल्बर्ट बिल बेसिकली वो बिल है जिसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश न्यायाधीशों के बराबर शक्ति दी गई थी. इल्बर्ट बिल वो बिल है जिसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश न्यायाधीशों के बराबर शक्ति दी गई थी. पहले भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश न्यायाधीशों से कम शक्तियाँ दी गई थी. जैसे एक भारतीय न्यायाधीश जो भी इंडिया में न्याय प्रदान करता था, वो किसी ब्रिटिश क्रिमिनल को का केस नहीं सुन सकता था. वो केवल इंडियंस का केस सुन सकता था, ब्रिटिश का केस नहीं सुन सकता था. जबकि एक ब्रिटिश न्यायाधीश इंडियंस का भी केस सुन सकता था और ब्रिटिश का भी केस सुन सकता था. लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई कि एक भारतीय न्यायाधीश भी इंडियन का भी केस सुनेगा और ब्रिटिश क्रिमिनल का भी केस सुनेगा. और ब्रिटिश न्यायाधीश तो दोनों का सुनता ही था. तो इसके द्वारा जो नस्लीय भेदभाव था न्यायपालिका में, वो नस्लीय भेदभाव खत्म किया गया. ये है इल्बर्ट बिल. इल्बर्ट बिल के द्वारा नस्लीय भेदभाव खत्म किया गया और न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों को भी वही स्थान प्राप्त हुआ जो कि एक ब्रिटिश न्यायाधीश को प्राप्त था. तो लेट डिस्कस इन इंग्लिश व्हाट इट इज सेइंग. अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉ, इंडियन जजेस हु वर मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कुड नॉट ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस. द यूरोपियन सब्जेक्ट्स कुड बी ट्राइड ओनली बाय यूरोपियन जजेस. यूरोपियन जो क्रिमिनल्स होते थे, जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स होते थे, उनका केस केवल यूरोपियन जजेस ही सुनते थे. बट द यूरोपियन जजेस हैड नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन यूरोपियन जजेस को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो केवल यूरोपियन का सुनेंगे, इंडियंस का नहीं सुनेंगे. ऐसा उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. लॉर्ड रिपन डिसाइडेड टू डू अवे विथ
दिस रेशियल इनइक्वालिटी एज अ रिजल्ट सर कटनी इल्बर्ट अ लॉ मेंबर इन द वाइस रॉयल्टी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द गवर्नर जनरलशिप लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इम्पावर्ड इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस. इल्बर्ट बिल के द्वारा इंडियन जजेस को भी इम्पावर किया गया कि वो यूरोपियंस का केस सुन सके. Bringing them at par with the British judges, the purpose of the bill was to remove difficulty in administration of justice and reform the criminal procedure code by ending racial discrimination. इसका मुख्य उद्देश्य था कि administration of justice में जो समस्याएं हो रही है और criminal procedure code में जो racial discrimination हो रहा है उसको समाप्त किया जाए. So, इस बिल के द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो डिफिकल्टी आ रही थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई. बट दिस बिल वाज हाईली रिएक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, आई मीन यूरोपियंस. इस बिल के प्रति यूरोपियन ने बहुत गुस्सा दिखाया, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी हो गए. उन्होंने इस बिल को ख़त्म करने की मांग की और इसका नतीजा ये हुआ कि इल्बर्ट बिल में बदलाव करना पड़ा और बदलाव ये किया गया कि यूरोपियन का केस सुनने के लिए उसी बेंच को अलाउ किया गया. बेंच में बहुत सारे जजेज एक साथ बैठ के केस सुनते हैं, जिस बेंच में आधे न्यायाधीश यूरोपियंस होंगे, आधे इंडियंस हो सकते थे, आधे यूरोपियंस हो सकते थे. तो इस मूव के द्वारा, इस कदम के द्वारा यूरोपियन लोगों के एरोगेंस को संतुष्ट किया गया. तो दिस वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एफर्ट्स मेड बाय लॉर्ड रिपन टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन द इमेज ऑफ ब्रिटिशर्स इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस एंड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी विच सैटर्ड हिज एफर्ट्स इन मेकिंग द पॉजिटिव इफेक्ट फॉर द क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल for the British Empire. So this was all about Ripon's effort and Ilbert with controversy. How it was reacted, you understood. So let's move to the next topic, Dada Bhai Naurji and East India Association. Dada Bhai Naurji founded the East India Association in London on October 1st, 1866. Dada Bhai Naurji ne East India Association ki sthapna London mein 1 October 1866 ko ki thi. The aim of the organization was the promotion of the public interest and welfare of inhabitants of India. ये भारतीय प्रवासियों के हितों का और कल्याण का बातों को प्रमोट करना, देखना, ये इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य जो भारतीय थे और जो प्रवासी भारतीय थे लंदन में, उनके हितों को देखना, उनके वेलफेयर कल्याण की बात को सोचना, ये इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था. दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड अ लार्ज इंडियन मेंबरशिप ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स थे. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एस्टैब्लिश ब्रांचेज इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ब्रांच कहाँ कहाँ था? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में. इट सेंट पिटीशन टू गवर्नमेंट अगेंस्ट द वर्ना प्रेस एक्ट, एबोलिशन ऑफ कॉटन ड्यूटीज एंड इनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन अफगान वॉर. इसने बहुत सारे पिटीशन गवर्नमेंट को दिए, जैसे वर्ना प्रेस एक्ट को वापस लेने के लिए, एबोलिशन ऑफ कॉटन ड्यूटीज, कॉटन पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा था उसको समाप्त करने के लिए, और अफगान वॉर के जो एक्स्ट्रा जो व्यय हो रहा था उसको भी ख़त्म करने के लिए, अफगान वॉर समाप्त करने के लिए भी प्रेशर क्रिएट करने का काम भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने किया था. तो दिस इज ऑल अबाउट द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ दादा भाई नौरोजी. नेक्स्ट इज इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ऑफ 1876. The India Association was founded by Surendranath Banerjee and his association Anand Mohan Bose in 1876. Indian Association, Calcutta, this point we are discussing right now. Indian Association की स्थापना Surendranath Banerjee और उनके सहयोगी Anand Mohan Bose ने 1876 में की. It was most important pre-Congress organization with the national character. The Indian Association has the following objectives. ये
इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का सबसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशन था और इसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार था, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो जनमत था उसके लिए एक मंच तैयार करना इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का मुख्य उद्देश्य था। यूनाइट ऑल इंडियंस इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस एंड रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना, लोगों को यूनाइट करना, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, इंक्लूजन ऑफ मासेस इन नेशनल मूवमेंट, जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, डिमांड्स ऑफ रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिफॉर्म्स ऑफ सिविल सर्विस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों के अधिकारों को वापस प्रभाव में लाना, सिविल सर्विस में सुधार करना, आर्म्स एक्ट को लागू करना और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में संशोधन करना, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड था। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन मार्क द इमर्जेंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इन पॉलिटिकल एक्टिविटी विच वर अर्लियर लिमिटेड टू लैंड होल्डर्स एंड द एरिस्टोक्रेट्स, इट लेड टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस इन नेशनल मूवमेंट। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का ही प्रयास था कि एजुकेटेड मिडिल क्लास राजनीतिक क्षेत्र में आया, जो पहले जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेट्स तक सीमित था, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रभावी मंच बन गया और ये जो आम जनता है उसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का काम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने किया। दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सो द टाइम लिमिट ऑफ वीडियो इज ओवर, सो विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।